तुम जानते हो ना कि मेरी सारी खुशियां तुमसे ही वाबस्ता हैं। अगर तुम खुश रहोगे तो मैं खुश रहूंगी। मेरे डॉक्टर तो तुम हो। मुझे अंदाजा है कि जाने अनजाने में मुझसे बहुत सी गलतियां हो गई हैं, लेकिन यकीन मानो कि मैं अब उन गलतियों का अजाला करना चाहती हूँ। सच कह रही हूँ मैं ये बात, क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। जरूरी फोन नंबर। हेलो हेलो, मुझे तुम्हें एक खुशखबरी सुनानी है। कौन बात कर रहे? कौन है भाई, बोलते क्यों नहीं हो? हारिस बोल रहा हूं। तुमने फिर फोन कर लिया मुझे? किस जबान में समझाऊं मैं तुम्हें? समझ नहीं आता कि फोन मत किया करो। अनुषा प्लीज प्लीज गुस्सा मत करो। अम्मी बहुत बीमार हैं और उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। क्यों, तुम्हारी ये वाली शादी भी टूट गई क्यों? कोई शादी नहीं हुई थी, वो तो मैंने बस यूं ही तुम्हें जलाने के लिए कहा था। मुझे जला रहे थे, लेकिन मैं क्यों जलूंगी हारिस? हाँ, तुम शादी करो, निकाह करो, मंगनी करो, जो कुछ करो, मेरी बला से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुषा प्लीज इतनी संगदिल मत बन। मेरा यकीन करो, मैं हर पल सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता हूं। मैं नहीं भूल पाया। मैं आज भी तुमसे ही मोहब्बत करता हूं। खबरदार, अपनी नापाक जुबान से मोहब्बत का नाम मत लेना तुम, और हमेशा हमेशा के लिए दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। शुक्र जो तुम जैसे छोटी जहनियत के इंसान से मेरा रिश्ता टूट गया, और अल्लाह ताला ने मुझे उससे मिलवा दिया जो वाकई मेरे काबिल है। मेरी शादी फिक्स हो चुकी है हारिस, और बहुत जल्द होने वाली है। आइंदा ना मेरे सामने आना और ना ही मुझे फोन करने की कोशिश करना, समझ आई?